तो उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल शुरू हो चुका है और पहले फेज के दौरान पश्चिमी यूपी से शुरुआत होने जा रही है और पश्चिमी यूपी में इसी को लेकर इस वक्त जो प्रचार है वो धुआंधार हो रहा है। हर कोई पश्चिमी यूपी की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है एक दूसरे पर छींटाकशी करके, और इसी को लेकर हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी में इस बार किसकी बयार बहने जा रही है। और अवनीजेश अवस्थी जी, बहुत देर से आपको चैट करना चाह रहे थे क्योंकि हम बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा ब्रेक से पहले किसान आंदोलन का जिक्र हुआ। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने किसानों को पूरी तरीके से अनदेखा किया और समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर बीजेपी ये कह रही है कि किसान तो हमारे साथ हैं। क्या होने जा रहा है इस बार? शिरीन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी क्या ये कह सकती है, कोई भी विपक्षी पार्टी कह सकती है कि हमारे साथ ये किसान नहीं है? बात तो यहां बैठ करके आंकड़ों की तो करते नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है उसमें। यो महंत योगी आदित्यनाथ एकमात्र वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में जहां से प्रवासी मजदूर नहीं आ सकते हैं, प्रवासी व्यक्ति नहीं आ सकते उत्तर प्रदेश के, वहां के राज्य उनके खाने पीने का रहने का इंतजाम करें, उत्तर प्रदेश सरकार उनका खर्चा वहन करेगी। उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के प्रवासी के लिए बसों की लाइन लगा करके यहां से लेके गए थे, जिसमें यह भी हुआ था कि वो यहां से क्यों ले गए, वहां पे कोरोना फैलेगा। ये है वो महंत योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने उसी समय कोरोना की दूसरी लहर के समय ही प्रवासियों के लिए रोजगार आयोग बना दिया था, गठन कर दिया था कि कैसे जो आए हैं अब उनको वापस जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पर उनको रोजगार मिलेगा। यह है महंत योगी आदित्यनाथ जो 64 जिलों में पैदल 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 घूमा था, और बाकी महाराष्ट्र उसमें देख लीजिए। अबू आजमी, मैं अनिल दुबे जी से कहूंगा कि जरा अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, नेता हैं महाराष्ट्र में, उनका वो जो वीडियो है जो जाटों के बारे में जो जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है वो एक बार देख जरूर लें। उसके बाद भी अगर आपकी इच्छा होती है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की, तो मैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंकड़ों पर बात करें, आज नहीं 2014 में, 2017 में, 2019 में तीन बार लगातार नकारा गया है समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार निरंतर अनवरत प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री काल में, नरेंद्र मोदी के और योगी के मुख्यमंत्री काल में 2019 में कितनी सीटें आई थी? अजीज खान साहब 5 सीटें आई थी, और वो समाजवादी पार्टी जो लोग कहते हैं जातिवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। एक परिवार के जिस सरकार में 21 बालिग लोग, जितने बालिग लोग थे एक भी बालिग बेरोजगार नहीं था किसी न किसी पद पर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, बोर्ड के चेयरमैन, तमाम तरीके से। ये लोकतंत्र है क्या? लोगों को मालूम नहीं है क्या? और जहां तक किसानों की बात है, अंतिम बात कह रहा हूं कि जिनके पास पैसा पहुंचा है, जिनके पास डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचा है, जिनके गन्ने के पैसा पहुंचा है, ये उनको मालूम है। आप यहां टेलीविजन पे बैठ के कह लीजिए गन्ना किसानों का कुछ नहीं हुआ, उनको मालूम है जिनका हुआ है। जहां चीनी मिलें खुल रही हैं जो बंद हो गई थी, उनको मालूम है कि उनका कितना बेहतरीन भविष्य आने वाला है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद फिर अनिल दुबे के पास जाऊंगी। ये आप भी लेकर आए अपनी लिस्ट, आपने भी अपनी लिस्ट गिनाई कि क्या क्या चीजें हुई हैं बीजेपी के राज में। अवनीजेश जी ने भी बताया ये विकास नहीं है, और क्या ये विकास रोजगार नहीं देता है उत्तर प्रदेश में, और इसी को लेकर तो बीजेपी जा रही है जनता के बीच। बिल्कुल सीरीन जी ठीक कह रही हैं आप। मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन कौन सा विकास उत्तर प्रदेश में किया, यह पहला सवाल किया है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई 5 काम ऐसा बता देंगे, भी नोट कर लेंगे कि जिसका शिलान्यास इन्होंने किया हो और उसका उद्घाटन भी किया हो, कोई 5 काम ये बता देंगे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इन्होंने कहा कि साहब जेवर एयरपोर्ट बनाया। अरे भाई जेवर एयरपोर्ट में केवल मिट्टी पाटी गई है, वहां गांव में जो लोग रह रहे थे बेदखल जरूर हो गए, उनके आवास का इंतजाम नहीं है, ये काम आपने ठीक किया है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने दंगे की बात कही, मैं कहना चाह रहा हूं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने 11 दिसंबर 2018 को बाकायदे लोकसभा में कहा कि डॉक्टर अजीज खान माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूं इस वक्त। ABP News आपको रखे आगे।